अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदर अली और आप देख रहे हैं फिटनेस मीडिया। अगर आप हेल्दी लाइफ गुजारना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है आप अपनी फिटनेस करें, फिटनेस ट्रेनिंग करें, अपने आप को फिट करें। अगर आप फिट होंगे तो आपकी हेल्दी लाइफ होगी और आप बीमारियों से भी महफूज रहेंगे। कुछ खवातीन ने हमें मैसेज किया कि जी हमारे पास जो है जिम जाने का टाइम नहीं है, तो हमें ऐसी कौन सी ट्रेनिंग है जो हम घर में कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ महविश मौजूद हैं जो आपको बताएंगे कि विद वेट और विदाउट वेट वो कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो आप कर सकते हैं और अपने आप को फिट कर सकते हैं। और कुछ उन्होंने डाइट के हवाले से भी बताया कि आप कौन सी डाइट जो है अपनी करें जिसके ज़रिए आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो सके। तो मिलते हैं महविश से। मैं वेलोसिटी एक्स में होती हूँ। मैं फ्लो ट्रेनर भी हूँ, पर्सनल ट्रेनर भी हूँ। मैं स्पेशलाइज हाइब्रिड ट्रेनिंग में करती हूँ। हाइब्रिड ट्रेनिंग बेसिकली दो ट्रेनिंग्स का जो है कॉम्बिनेशन होती है बाकी। लेकिन आज हम लोग जो है करने जा रहे हैं वो बेसिकली जो है वो बिगिनर लेवल का है बिल्कुल, ताकि जो है हमारी जो हस्बैंड होती हैं घर पर वो भी कर सकें उस एक्सरसाइज को जो है फॉलो, उस रिजीम को फॉलो कर सकें और जो है एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार सकें। पूरी बॉडी को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी होता है। जो कुछ लोग बोलते हैं कि इस मसल को ट्रेन कर लो, इसको नहीं करो, या फिर इसको रहने दो, या फिर एक ही जगह पे फोकस करते हैं। पहली बात, स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। एक जगह से जो है आप कभी भी फैट रिड्यूस नहीं कर सकते। आपको जब आपका फैट जाता है तो वो पूरी बॉडी में एक साथ जाता है, हर जगह से जाता है। यानी कि आप सिर्फ क्योंकि यूजुअली एशियन वुमेन जो होती हैं उनका यही होता है इशू, मेरे थाइस कम हो जाए या मेरा जो है पेट कम हो जाए। ऐसा नहीं होता। शुरू में जो है जहाँ पे जो भी पार्ट डोमिनेंट होता है वहाँ से जाना शुरू होता है। स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल ही नहीं है। बाकी ये है कि कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी हो सकती हैं, अच्छा आप डाइट रिजीम फॉलो करो। तीन चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। एक आपकी स्लीप बहुत मैटर करती है, एक आपका वर्कआउट और एक आपका न्यूट्रिशन। यूजुअली लोग उसको बिल्कुल उल्टा कर देते हैं, जिम जा रहे होते हैं, डाइट कर रहे होते हैं और फिर जो है स्लीप की जो बारी आती है सोने की वो फिर थर्ड नंबर पर आती है। तो ये चीज़ें तीन हैं। 80% जो होती है वो आपका पूरे रिजीम, जो भी आपका पूरा एंड में रिजल्ट मिलता है वो आपकी होती है डाइट। तो डाइट 80% होती है, बाकी जो भी है वो स्लीप और वर्कआउट वो फिर बाद में आता है। अगर आप प्रॉपर डाइट कर रहे हैं तो जो है आपको रिजल्ट्स एक महीने में ही आना स्टार्ट हो जाएंगे। सो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बिगिनर लेवल के उससे, ताकि जो है जो भी हमारी खातून है घर पर वो उसको ईजिली फॉलो कर सकें, या फिर जो भी बिगिनर लेवल की खातून है। सबसे पहले हम लोग करेंगे बाइसेप कर्ल। ये बेसिकली आपके बाइसेप्स को टारगेट करता है। तो अप एंड डाउन। अच्छा, स्विंग नहीं करना, हम लोग स्विंग नहीं करते। लाइक ऊपर जाएंगे और नेगेटिव में स्लो नीचे आएंगे, एक्सहेल। अच्छा, जहाँ पे हम प्रेशर डालेंगे, प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, वहाँ हमें एक्सहेल करना है। सो हम लोग ऊपर लेके जा रहे हैं, सो इट्स एग्जर्टिंग द प्रेशर। हम लोग ऊपर की तरफ प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं, ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, तो ये है कि आप 12 to 15 रेपिटेशंस इस एक्सरसाइज के कर सकते हैं। फिर 30 to 45 सेकंड्स के ब्रेक के बाद आप जो है इसको दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं। एक एक्सरसाइज आप 3 से 4 सेट में कर सकते हैं, लेकिन जो है हम लोग शुरू में रिकमेंड करेंगे कि रैप्स की रेंज और सेट्स की रेंज कम रखें, जैसे कि 12 रैप्स करके 3 सेट तो ऐसा हो जाएगा। बाकी दूसरी हमारी एक्सरसाइज है जो कि थोड़ा सा हमारे बाइसेप्स को तो टारगेट करती है लेकिन शोल्डर्स को भी टारगेट करती है, वो है हैमर कर्ल इनटू प्रेस। नाउ हैमर कर्ल से हमारा बाइसेप टारगेट हो रहा है और प्रेस से हमारे शोल्डर्स टारगेट हो रहा है। एक्सहेल एंड अप, वही सेम, नेगेटिव में जाना है स्लो, स्विंग नहीं करना, स्विंग नहीं करना, इससे इंजरी के चांसेस बढ़ते हैं। ये हो गया, इसके भी आप जो है 12 to 15 reps 3 sets करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं लैटरल रेजेस। लैटरल रेजेस में हम लोग अप करते हैं। अच्छा, एक्सहेल, दिस इज टारगेटिंग, हमारा डेल्टॉइड टारगेट हो रहा है। डेल्टॉइड हमारा शोल्डर मसल है, ठीक है, 3 heads होते हैं डेल्टॉइड के। सो एक्सहेल अप एंड एक्सहेल अप, वही नेगेटिव पे स्लो, नेगेटिव मतलब नीचे आते हुए स्लो। सो ये नहीं करना, यू डूइंग इट लाइक दिस बट स्लो। सो इसके भी 12 to 15 reps 3 sets। ओके, नेक्स्ट इज हमारा बैक रोज।
बैक रोज हम लोग जो है डंबल्स के साथ भी कर सकते हैं और बारबेल के साथ भी कर सकते हैं. बारबेल थोड़ी हैवी होती है और हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होती, लेकिन मैं उसमें डेमोन्स्ट्रेट करूँगी ना. अच्छा, इसके दो फॉर्म्स भी हो सकते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं और इसको रिवर्स करके भी कर सकते हैं. सो मैं आज आपको नॉर्मल स्टांस का दिखाती हूँ. हल्का सा नी में बेंड करेंगे, बैक को स्ट्रेट रखेंगे. बैक को स्ट्रेट रखते हुए अप लेके आना है, एल्बोज इन एंड डाउन, अप एल्बोज इन एंड डाउन, और एक्सहेल हमें ऊपर आते हुए करना है. जो लेडीज़ आती हैं उनका यही इशू होता है कि ये हमारा आर्म बहुत ज़्यादा फ्लैबी है, तो फ्लैबी उसके लिए जो है हम लोग थोड़ा सा इस जगह को टोन कर सकते हैं. हम डंबल्स को ऐसे पकड़ेंगे एंड वी आर गोइंग टू गो डाउन एंड अप, डाउन एंड अप. एक्सहेल ऊपर की तरफ करना है एंड अप. हाँ, एल्बोज बाहर नहीं, एल्बोज इन, डाउन एंड अप, डाउन एंड अप. तो ये आपके ट्राइसेप्स को टारगेट करता है. तो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि हमारा बहुत ज़्यादा बेसिक इशू होता है हमारी लेडीज़ का, वो होता है लेग्स, लाइक थाइज उनका बेसिकली इशू होता है. तो उसमें दो तीन एक्सरसाइज जो कि बॉडी वेट की जा सकती हैं, जिनके फॉर्म सही होना बहुत ज़रूरी है. अगर आपका फॉर्म सही नहीं होगा तो इंजरी, वो तो किसी भी एक्सरसाइज के साथ है, अगर आपका फॉर्म सही नहीं है आपकी इंजरी हो सकती है आपको. ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा स्क्वाट. स्क्वाट पे हम लोग जो है हिप विद या शोल्डर विद अपार्ट हमारे पैर होते हैं, हल्का सा हम टोज आउट करते हैं ताकि हमारी नीज़ अंदर की तरफ ना जाए. अगर हमारे नीज़ अंदर की तरफ जाएंगे तो हमारे नी पे आएगा. सो इसमें क्या करना है, वी हैव टू सिट लाइक वी सिटिंग इन अ चेयर. हमें बैठना है जैसे कि हम एक चेयर पे बैठ रहे हैं, लाइक दिस. ठीक है, अच्छा कुछ लोग इसको ऐसे करते हैं कि हील्स उठा लेते हैं. जब आप अपनी हील्स उठाओगे तब भी आपकी नी पे आएगा. सो इसको ऐसे बैठना है एंड देन वी गेट अप. सही है, वी हैव टू सिट डाउन एंड गेट अप लाइक दिस. बैठना है और उठना है. ये हमारे क्वाड्रिसेप्स को टारगेट करता है और हमारे ग्लूट्स को टारगेट करता है. एंड अप लाइक दिस, डाउन एंड अप, एंड डाउन एंड अप, एंड दैट्स इट. ओके, एक और एक्सरसाइज जो कि बहुत अच्छी है हमारे क्लूट्स, हमारे हैमस्ट्रिंग्स वगैरह को टारगेट करने के लिए, वो है लंजेस. जो है लंजेस एक ओवरऑल एक्सरसाइज है, लेकिन उसकी भी फॉर्म करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है. ना लंजेस में हम लोग स्टेप फॉरवर्ड करते हैं और फिर 90 डिग्री एंगल, दोनों जगह पे 90 डिग्री एंगल को बेंड करके ऐसे. अच्छा, अब ऐसे ऐसे करेक्ट फॉर्म नहीं है. करेक्ट फॉर्म है आपकी जब आप अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखते हुए 90 डिग्री के एंगल पे जा रहे हो. अगर शुरू में अक्सर ऐसा होता है कि लोग बैलेंस नहीं कर पाते, हमें अक्सर ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो जिनका बैलेंस लूज़ होता है आगे जाने में. सो आप हमेशा इसको सपोर्टेड भी कर सकते हो लाइक दिस. यू कैन टेक हेल्प, आप सपोर्ट लो किसी चीज़ की एंड देन यू कैन डू इट. बॉडी को स्ट्रेट रखते हुए जो है लेग्स को बेंड करना है, हैमस्ट्रिंग्स सॉरी एंगल्स आपके जो होंगे 90 डिग्री के एंगल पे होंगे. इसमें भी आपकी हील आगे से उठेगी नहीं, नहीं तो सारा लोड नहीं पाएगा. बर्पीज़ एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, फुल बॉडी नहीं है लेकिन जो है उससे हार्ट रेट बहुत ऊपर जाता है. नाउ बर्पीज़ में 3 जंप्स होती हैं. ऐसे जाओगे, यू जंप बैक, जंप फॉरवर्ड एंड यू जंप अप. ठीक है, जंप बैक, जंप फॉरवर्ड, जंप अप, जंप बैक, जंप फॉरवर्ड, जंप अप. ये टाइमर के हिसाब से भी कर सकते हैं. जो है ये पूरी बॉडी पे, ऑलमोस्ट पूरी बॉडी पे असर पड़ता है इसका, फैट रिड्यूस होता है इससे. लेकिन ये है कि आप जो है इसको टाइमर के हिसाब से भी कर सकते हो, लेकिन शुरू में जो बिल्कुल बिगिनर हैं उनको ये हो सकता है कि 15 रैप्स कर लें, 15 रेपिटेशंस, 3 सेट्स कर लें बीच बीच में ब्रेक दे के, क्योंकि ये इससे हार्ट रेट बहुत जल्दी ऊपर जाता है और बहुत टायरिंग है. बहुत लोगों को जो है ये बहुत ज़्यादा बुरी भी लगती है इसीलिए, क्योंकि जो है बहुत जल्दी थक जाते हैं लोग. बट किक्स होते हैं लाइक आपको जो है अपना एंकल अपने पीछे पूरा इसका एक्सटेंशन लेके आना होता है. ठीक है, ये हाई इम्पैक्ट वर्जन है, लो इम्पैक्ट वर्जन है. हाई इम्पैक्ट वर्जन में आप जंप ऐड कर देते हो. इसमें भी यही हो सकता है कि आप जब आप ये कर रहे हो तो
तो आप इसको टाइमर के हिसाब से भी कर सकते हो और इसको रेपिटेशंस के हिसाब से भी कर सकते हो। इसमें आप 25 से 30 रेपिटेशंस कर सकते हो पर लेग जो है, और 3 सेट्स के साथ भी कर सकते हैं। बाकी टाइमर के हिसाब से वही जैसे बर्पीज़ में था, 30 सेकेंड ऑन 30 सेकेंड ऑफ करके कर सकते हैं। मतलब 30 सेकेंड्स में आपको करना है जितना आप हाई लेवल जा सकते हो और 30 सेकेंड्स आपका ब्रेक होगा। ये बेसिकली हमारे लोअर पार्ट को ही करता है, लेकिन इससे हार्ट रेट ऊपर जाता है। जब आपका हार्ट रेट ऊपर जाता है दैट मीन्स कि आप एक फैट बर्निंग जोन में जा रहे हो, तो आपका फैट जब जाएगा तो हर जगह से जाएगा। और एक्सरसाइज है जिसको कहते हैं हाई नीज। हाई नीज में नाम से पता चल रहा है, नीज़ को जितना हाई ले जा सकते हैं उतना सही है। अक्सर लोग यहाँ पे ऐसे हाथ रख लेते हैं ताकि इसको हिट होता रहे लाइक दिस, ठीक है। और ऑब्वियसली इसको थोड़ा हार्ड बनाना है तो आप इस पर जंप ऐड कर लेते हैं। तो ये है कि आप इसमें रेपिटेशंस भी कर सकते हैं वही बट किक्स की तरह, और जो है आप इसमें टाइमर के हिसाब से भी कर सकते हैं। थोड़ा सा अपर बॉडी पे आ जाते हैं, अभी तो लोअर बॉडी हमने कर लिया। अपर बॉडी में आपका आ जाता है पुशअप्स। तो पुशअप्स की फॉर्म बहुत ज़रूरी होती है। पुशअप्स वैसे तो नॉर्मल जो होते हैं वो पूरी बॉडी स्ट्रेट रखते हैं डाउन एंड अप डाउन, लेकिन अमूमन लेडीज़ के लिए और बाकी काफ़ी सारे बिगिनर्स के लिए ये एक्सरसाइज करना मुश्किल होता है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, सबसे ज़्यादा आसान है आप नीज़ पे कर लो। आप अपने घुटनों पे आके आप नीचे जाओ और ऊपर, नीचे जाओ आप और गो डाउन एंड कम अप, गो डाउन एंड कम अप। प्लैंक इज एन ऑल राउंड गुड एक्सरसाइज जो कि आइसोमेट्रिक है, आपके एब्स को हिट करती है, आपके अपर बॉडी को बहुत अच्छे से हिट करती है। सेम पुशअप वाली पोजिशन, शोल्डर के नीचे रिस्ट होगी, ठीक है, बॉडी स्ट्रेट होनी चाहिए, बॉडी डाउन नहीं होगी, बॉडी अप नहीं होगी, बॉडी एक बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होगी। और आपको ये होल्ड करना है, होल्ड इट फॉर 20 to 30 सेकेंड्स शुरू में, और फिर आप अपना टाइम इसको बढ़ा सकते हैं। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जो कि आपके एब्स को भी हिट करेगी और आपकी अपर बॉडी भी टोन करेगी। बाकी ये जो है ये एक थोड़ा सा मुश्किल वेरिएशन होगा। आप इसमें एल्बो पे आ सकते हैं अपने, ठीक है, ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते, बॉडी पूरी एक स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि लेडीज़ जो घर पे होती हैं, पहले तो बात अपने डाइट अपने न्यूट्रिशन का कोई भी ख्याल नहीं रखती, और स्पेशली जो कि मदर्स होती हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं रख पाती हैं, उनका तो बेसिकली राज ही यही होता है उनकी सेहत का। तो जो है, लेकिन ये है कि अगर आप इस चीज़ को लेके कॉन्शियस हो जाएं, लाइक हर वक्त आप हर चीज़ नहीं खा सकते जो है, और हर चीज़ खाने का एक टाइम होता है। तो जो है जैसे कि शुगर को बोलते हैं कि ये एक एडिक्शन भी है, ठीक है, और सच में ऐसा है। अगर आप शुगर से एडिक्ट हो जाओ, कोई भी चीज़ होगी, कभी भी होगी, आपको क्रेविंग होगी, आप वो चीज़ खाओगे। तो ये है कि अगर आप कुछ चीज़ों में अपनी लाइफस्टाइल में चेंज लाओ, क्योंकि ये चीज़ ये नहीं है कि आपने एक महीना कर लिया, दो महीना कर लिया और फिर छोड़ दिया उसको, ये एक लाइफस्टाइल है। क्योंकि हमारा ऑलरेडी हम लोग जो है एक पाथ पे निकल चुके होते हैं, एक डैमेज कर चुके होते हैं अपना, तो अब हम उस चीज़ को मेंटेन करके रखना है। तो मेंटेनेंस जो होती है वो लाइफस्टाइल से आती है, वो आप एक महीना डाइट करके दो महीना डाइट करके नहीं आती। तो ये है कि गुड चॉइसेस अपनी डाइट को लेके, जैसे कि आप प्रोटीन ज़्यादा कर दें, कार्ब्स इनटेक ज़रूरी है, प्रोटीन इनटेक ज़रूरी है, फ़ैट इनटेक भी ज़रूरी है। लोगों को लगता है फ़ैट दुश्मन है या फ़ैट जो है नहीं लेना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। गुड फैट्स आप लो, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल इसमें आप लो, एग्स में एग्स का जो योक होता है वो बहुत जो है एक अच्छा गुड फैट, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत है उसकी। तो ये है कि गुड चॉइसेस आपको एक बहुत लॉन्ग वे लेके जाती हैं अपने फिजिक को लेके, अपने टमी को लेके, अपने ओवरऑल हेल्थ को लेके। लोग समझते हैं, स्पेशली लेडीज समझती हैं कि हम वेट्स उठाएंगे तो हम लोग जो है बल्की हो जाएंगे, आदमियों जैसे हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल एक बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। आदमियों के अंदर एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, जिसकी वजह से जो है वो जो भी ट्रेनिंग करते हैं वो उनको जाके उनका साइज़ बड़ा, उनके मसल का साइज़ बड़ा करते हैं। लेडीज़ में भी होता है टेस्टोस्टेरोन, लेकिन ये है कि आप इतनी लेवल का नहीं होता, मतलब एकदम नेग्लिजिबल लेवल का होता है, लाइक बहुत कम होता है। लेकिन कभी भी आप एक बेसिक ट्रेनिंग से वो वाला फिजिक अचीव नहीं कर सकते जो कि फ़ीमेल बॉडी बिल्डर्स का होता है। वो फीमेल बॉडी बिल्डर्स बहुत मेहनत करती हैं, वो जो है टेस्टोस्टेरोन अलग से अपनी बॉडी में लेकर आती हैं, जो है लगाते हैं अपने आप को, उनके मील्स अलग होते हैं, उनकी ट्रेनिंग अलग होती है,
वो उनका लाइफ स्टाइल होता है वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो एथलीट हैं, वो हम लोग जो है उनसे कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन जो कि हम आम लोग हैं, अगर हम वेट्स को अपनी उसमें लाएँ, वेट्स का फ़ायदा ये है कि जब आप मसल मास आपकी बॉडी में इंक्रीज़ होता है तो वो आपकी फ़ैट ऑलरेडी वो फ़ैट की जगह लेता है, ठीक है। और मसल लाइक एक केजी का मसल इतना होगा, एक केजी का फ़ैट इतना है, ठीक है। अक्सर लोग स्केल्स को देख के डर जाते हैं। हमारे पास बहुत ऐसा होता है कि लोग ट्रेनिंग करते हैं, एक महीना लेडीज़ ट्रेनिंग करती हैं और वो पूछती हैं कि हमारा वेट तो हिला नहीं, और वो विजिबली वो कम लग रही हैं लेकिन उनका वो कहती हैं कि वेट हमारा स्केल पे शो नहीं हो रहा। वो इसलिए क्योंकि एक केजी का मसल इतना होता है, एक केजी का फैट इतना होता है। व्हेन यू गेनिंग मसल आप ऑल लीन हो रहे हो, आप बल्कि नहीं हो रहे आदमी की तरह, आप लीन हो रहे हो। तो ये बहुत एक मिसकंसेप्शन हुआ हुआ है इस चीज़ को लेके। दूसरी बात, आगे जाके जो होती है आपकी हड्डियाँ, आपका आपकी नीज, आपके जॉइंट्स आपको सपोर्ट नहीं करते, आपकी मसल्स आपको सपोर्ट करेंगे। जितना आप उसको ट्रेन करोगे, जितना और इसको हड्डियों पे जितना प्रेशर पड़ता है उससे जो है आपके बोन डेंसिटी इंक्रीज़ होती है। मतलब बोन डेंसिटी से मेरा मतलब है मिनरल्स जो होते हैं आपकी बोन्स में वो इंक्रीज़ होते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग, जो है ये आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्गर करता है। तो वेट ट्रेनिंग करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं जो कि जो है अमूमन आम लोगों को पता नहीं होता। तो दोस्तों, आपने देखा कि मेविस ने जो ट्रेनिंग बताई है, जो एक्सरसाइजेस बताई हैं, या जो डाइट के हवाले से उन्होंने बताया है, आप भी इस तमाम चीज़ों को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल करके एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं, एक हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को आप अपनी लाइफ में ऐड कीजिए और अच्छी लाइफ गुजारिए। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है फिटनेस के हवाले से तो आप कर सकते हैं, हमें खुशी महसूस होगी उसका जवाब देकर। देखते रहिए फिटनेस मीडिया।